हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार जेबीटी। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एम कनेक्ट प्लस मोबाइल बैंकिंग ऐप्स कैसे रजिस्टर करते हैं ऑन एटीएम मशीन। सो गाइस, मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप लोग भी भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त हैं तो आप बिना एटीएम मशीन पर गए, बिना बैंक शाखा के चक्कर लगाए, अपने घर पे ही घर बैठे आप बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मैं सीधा आ गया हूँ गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद एम कनेक्ट प्लस लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, और दिखने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद, मेरा पहले से इंस्टॉल हो रखा है तो मैं यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। ओपन मैंने कर दिया। ओपन करने के बाद कुछ ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे लॉगिन करना है हमें। लॉगिन करने के बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म उसके बाद आपको वही सिम सेलेक्ट करना है जो बैंक खाते पर लगा है। मेरा जैसे एयरटेल लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ। एयरटेल पर एसएमएस सेंड सक्सेसफुल आ गया है। सर्च होके मेरा नंबर सामने आएगा जो बैंक खाते पर लगा है। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। रजिस्टर नाउ क्लिक करेंगे तो आपको एटीएम कार्ड के कुछ डिटेल्स देने होंगे। यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं और एटीएम कार्ड मेरे पास है। यहाँ पे ओटीपी मांग रहा है। ओटीपी ऑटो रीड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट 6 डिजिट डालने हैं। डाल दिया। और यहाँ पे मंथ डालना है और यहाँ पे ईयर डालना है। डाल दिया। और अकाउंट नंबर मांग रहा है। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिए। अकाउंट नंबर डाल दिया है। अब अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दे रहे हैं। सबमिट हो गया और इधर वेरिफिकेशन ओके हो गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। इसे क्या होगा कि अब बोल रहा है क्रिएट, मेरा मतलब कि मेरा वेरिफिकेशन हो गया है। अब लास्ट स्टेप बोल रहा है कि क्रिएट अप्लीकेशन पासवर्ड। आप अप्लीकेशन पासवर्ड बनाइए। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है अप्लीकेशन पासवर्ड में। यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिए और एग्री कर दीजिए। एग्री करने के बाद यहाँ पे थोड़ा एम पिन मांग रहा है जो एसएमएस में आया है। मैं देख ले रहा हूँ कौन सा एमपिन आया है एसएमएस में। मेरे मोबाइल में ये एसएमएस आया है भी, ऐसे करके है, वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा मोबाइल बैंकिंग एम कनेक्ट प्लस एमपिन इज इतना 0427। चलिए मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैं एम पिन डाल दिया। अब यह कह रहा है क्रिएट न्यू एम पिन, जो आप कोई दूसरा एम पिन रखो जिससे लास्ट में ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है। अब मैं दूसरा पासवर्ड बना ले रहा हूँ। चलिए मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे योर एम पिन हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं ओके करता हूँ, दोबारा लॉगिन करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन पासवर्ड डाल दिया। अब देखिए मेरा एटीएम द्वारा एम कनेक्ट हो गया है, एक्टिव हो गया। इसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।